अरे शंभू आ गए? मैं पहली बार शहर में आया हूँ, तुमको स्टेशन तो आना चाहिए था, तुम क्यों नहीं आए? मेरे पास एक ही पैंट था, धुलकर टांगा हूँ, अभी तक सूखा नहीं। खैर छोड़ो, तुम आ तो गए। किससे आया? ऑटो से आया। चलो ऑटो वाले ने सही से तो पहुँचाया। बाथरूम किधर है? उधर है। आखिर तुझे काम नहीं मिला, दिल्ली आ गया? 8 साल से काम ढूंढ रहा हूँ, काम नहीं मिला। अच्छा हूँ, काम ढूंढते रहो, रिकमेंडेशन चाहिए। इस बार मैं एक एमपी का रिकमेंडेशन लेके आया हूँ। इस इलेक्शन में कौन सी गवर्नमेंट आएगी तुझे पता है? पता नहीं, कोई भी गवर्नमेंट आने दो, मेरा एमपी उसमें जरूर रहेगा। अरे अरे उधर रंजन नहा रहा है। हाँ? अपना रूममेट। लेकिन दरवाजा तो खुला है। सॉरी। कोई बात नहीं ब्रदर, हमारे राज्य में दरवाजे में कड़ी नहीं होती। भाई का नाम क्या है? शंभू। कहाँ से? अलीबाग। पता है। सर सर वो मेरी पैंट है। मेरा विश्वास कीजिए, अभी अभी मैंने उतार के रखी। अरे तुम इनको कुछ बताओ। इधर तेरा मेरा कुछ नहीं है बाबू, सब हमारा होता है इस तरफ। शर्ट पैंट से लेकर बीड़ी सिगरेट तक, बनियान से लेकर पेटी तक, किसी का भी कोई भी कुछ भी इस्तेमाल कर सकता है। इधर सिर्फ नाम अपना होता है, बाकी सब सबका होता है। हाँ, लगता है ये पैंट हमारे लिए सिला गया था। सिगरेट पीते हो क्या तुम? नहीं तो पीना सीख लो, क्योंकि यहाँ पे सारे लोग खाने की जगह सिगरेट ही पीते हैं। ठीक है सर। यहाँ पे सारी चीजें शेयर किया करो, समझे? मुझे बाथरूम आ रहा है, मैं वहां अकेला जाऊं तो चलेगा? नमस्ते जी। बोलिए जी। मुझे पेंटिंग अच्छी तरह से मालूम है। अच्छा, इसलिए I'm sorry, क्या कहा तुमने? तुम तो मद्रासी लगते हो, मगर इधर पेंटिंग का काम ज्यादा नहीं आता, हम तो सिर्फ बोर्ड पे लिखने का काम करते हैं। सर मेरी हिंदी इससे अच्छी है। हिंदी के लिए जगह नहीं है। सर मेरी राइटिंग बहुत अच्छी है, मुझे काम दे दीजिए ना प्लीज। हमारे पास काम नहीं है, सुना नहीं? जाओ यहाँ से। तुमने बाहर बोर्ड नहीं देखा क्या? अरे 1 रुपया? अरे वाह, अरे इधर आओ, इधर बहुत पैसा है, इधर आओ। अरे मेरे दोनों हाथ कम पड़ रहे हैं। अरे जल्दी आओ, अरे जल्दी आओ, अरे बहुत पैसा है यहाँ पे, जल्दी आओ, जल्दी आओ। अरे बहुत पैसा है, मेरे हाथ कम पड़ रहे हैं इसमें। अरे बहुत पैसा है, अरे आओ, अरे बहुत पैसा है यहाँ पर। ये क्या हुआ, सपना था क्या? क्या सपना था? अरे उठ, बता। तू बोल रहा था कि दोनों हाथ कम पड़ रहे हैं, ऐसा बोला था क्या? हैं, तो बोल रहा था। मेरे ख्वाब में एक बहुत मोटी सी लड़की मेरा हाथ पकड़ रही थी और मैं उसे पकड़ रहा था। ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे, भक्त जनों के संकट, दास जनों के संकट, स्वामी पल में दूर करे। ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश। तू भगवान से प्रार्थना कर रहा है, झगड़ा कर रहा है? मन में प्रार्थना नहीं कर सकता क्या तू? तुम्हारे पास पैसे नहीं है, इसलिए तुम गुस्सा क्यों हो रहे हो? मनी 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 नहीं तो पानी, हे 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 हे। मनी 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 मनी, I promise to pay the bearer the sum of 100 rupees। याहू! 100 रुपया?
100 रुपए 100 रुपीज 100 रुपीज यस 100 एक के बगल में 2 शून्य 100 सचमुच ये तो 100 रुपए हैं 100 रुपए क्या 100 रुपीज यस ये कहाँ से मिला मेहनत करने से तू और मेहनत अरे मेहनत और दिमाग दोनों से अरे इसीलिए तो पूछ रहे हैं ये तुम्हारे पास कहाँ से आए अरे यार मैंने एक फिल्म का टिकट लिया वो फिल्म सेक्सी था और देखते ही देखते फिल्म हाउसफुल हो गया तभी एक बूढ़ा मेरे पास आया और मुझसे टिकट मांग रहा था तो मैंने कहा श्रीमान इस टिकट का 100 रुपया लगेगा और वो टिकट 100 रुपए में बेच दिया और मैंने कमाई कर ली ये है वो 100 रुपया सिनेमा जिंदाबाद ये आइडिया तेरा खुद का था इतना आइडिया मेरे पास होता तो मैं ऐसे रहता ये दिमाग दिलीप का है दिलीप दिलीप कौन है ये दिलीप वो बहुत दिमाग वाला है जिंदगी का सब चालाकी उसने सीखा है और क्या क्या आइडिया उसके पास है पता है ऐसी कमाई से हमको खाना हजम नहीं होगा पैसा कहाँ से आया ये मत सोचो कम से कम आज रात के खाने का इंतजाम तो हो जाएगा अरे यार जल्दी से सारे सामान का लिस्ट बनाओ पहले भगवान पे 1 रुपया तो चढ़ा दूं तू ले ले लेकिन भगवान का नाम मत ले समझा ये क्यों झगड़ रहे हो पहले राशन वाले सरदार जी को 15 रुपया तो दे दो नेस्कैफे मिल्क पाउडर शुगर और हाँ बीड़ी साबुन नारियल का तेल हाँ स्टोव के लिए पहले घासलेट ये 100 रुपया घर का किराया बाकी 50 रुपए के लिए मैं कल आऊंगा ठीक है अब तो क्या 100 रुपए तो चले गए अब क्या करें 100 रुपीज जिंदाबाद भारत सरकार जिंदाबाद यूनिवर्सिटी जिंदाबाद बीए डिग्री जिंदाबाद बेरोजगारी जिंदाबाद जी सुनिए रेलवे स्टेशन जाने के लिए बस कब आएगी भगवान ही जाने माफ कीजिए आपको रेलवे स्टेशन जाना है हाँ आज टैक्सी बंद है मैं सामान ले लूं कितने पैसे लोगे कितने दोगे 50 पैसे 50 पैसे ठीक है छोटा नहीं है मैम साहब मेरे पास 50 पैसे नहीं है अगर आपके पास नहीं है तो मेरे पास कैसे रहेगा छोटा नहीं है तो बहाना बनाकर पैसा लूटते हैं लोफर कह के मैडम थोड़ा जबान संभाल कर बोलो पहले तुम 8 आना बोल के 1 रुपया मांगते हो इसका मतलब मैंने कब 1 रुपया मांगा छोटा नहीं है ऐसा कहा था लेकिन आपने मेरी इज्जत उतार दी आप पैसा रखिए मैं चलता हूँ यहाँ सब बेईमानी का पैसा मांगते हैं आई नो वॉट डू यू मीन मैडम वॉट द हेल डू यू नो माइंड योर लैंग्वेज आई एम ग्रेजुएट क्या तुम मुझे अनपढ़ समझ रही हो आज टैक्सी बंद थी इसलिए मैंने आपकी हेल्प कर दी और आप अपने आप को ग्रेट 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 समझ रही हैं रखिए इसे रख लीजिए अपने पास मुझे नहीं चाहिए रखिए देर से बाथरूम में रहेगा वो उसको बाथरूम में गए आधे घंटे से ऊपर हो गया अरे निकल रहा हूँ ना मैं ए, उसे वही बाल्टी सर पे रख के सोने के लिए बोल दो उसका दिमाग बाथरूम में कुछ ज्यादा ही चलता है अरे तुम लोग कुछ भी बोलो यार मेरे जैसे लोगों का दिमाग बाथरूम में ही चलता है हमारे जैसो का ख्वाब बाथरूम में शुरू होकर बाथरूम में ही खत्म हो जाता है बहुत हो गया यार अब मूड नहीं है तुम लोग खेलो अरे तू खेल अरे सुनना तेरे पास स्टॉक छोटा है या बड़ा सिर्फ मैं छोटा दूंगा छोटा मतलब जला हुआ सिगरेट ना उसके लिए छोटा है मेरे लिए बड़ा है मैं चलता हूं कहां जा रहे हो मंदिर जा रहा हूं अरे भाई अचानक से इसको क्या हो गया
मंदिर की याद इसको कैसे आ गई? तू उसका पीछा कर ले। क्या पंडित जी, नारियल तोड़ने जा रहे हो? हाँ बेटा, मैंने भगवान से प्रार्थना किया था कि मेरे बेटे को नौकरी मिल जाए। तो लाइए, मैं तोड़ दूँ? नहीं, मैं आपको क्यों तकलीफ दूँ? लाइए लाइए, आपको तोड़ने में परेशानी होगी, आप थोड़ा उधर खड़े हो जाइए। हाँ, उधर खड़े हो जाइए। हे भगवान, बहुत बहुत कृपा है, आपका धन्यवाद। धन्यवाद कैसा, अब आप जाइए। मैं कहता हूँ छोड़ दे, सब मेरा है, सब मेरा है, तू है, तू है नहीं है, तू है नहीं है, मेरा है, मैं लूँगा, छोड़ उसको, कैसे ले रहा है? मैं लूँगा, मंदिर के बहाने तू नारियल लेने आया था ना? अभी मालूम पड़ रहा है भगवान ने नारियल क्यों बनाया। सही बोला, हम जैसे बेरोजगारों के लिए तो बस यही सुबह शाम का खाना पीना है। नौकरी खाली नहीं है, तुम्हारे लेटर में क्या है? हाँ, जो तुम्हारे में लिखा है वही मेरे में लिखा है। पता तुम्हारे में? मेरे गांव के ज्योतिष ने मेरी कुंडली को ध्यान से देखने के बाद ये लिखा है कि मेरे ग्रह सारे ठीक हैं, बस ये लिखा है कि जन्म को छोड़कर बाकी सब कुछ ठीक है। काम के लिए एप्लीकेशन डालने के बजाय तुमने पंडित को एप्लीकेशन भेजा, तो फिर तुम्हें काम कैसे मिलेगा? तुमने काम के लिए एप्लीकेशन भेजी, तुमको काम मिला क्या? अरे जा जा, अपनी किस्मत में काम होगा तो अपने को मिल जाएगा, तब तक भूखे मरेंगे। हम एक नई दुनिया बनाएंगे जहां सबको सब कुछ मिलेगा, अगर नहीं मिला तो हम दुनिया ही खत्म कर देंगे। किधर जा रहे हो? दुनिया बनाने। सुबह सुबह कहाँ गया था? शेविंग कराने गया था। वहीं पर रुक जा। क्यों, अपवित्र होगा? क्या बोला? आप बालाजी मंदिर में बाल कटवाए तो पवित्र, और मैं बाहर सैलून में कटवाऊं तो अपवित्र? भगवान के स्थल से सैलून की बराबरी क्यों कर रहा है नादान? क्योंकि सब बराबर है, इधर है तो बाल, इधर है तो भाव, इधर है तो मूछ दाढ़ी, और शरीर में जहां जहां बाल है सबको अलग अलग नाम से बोलते हैं, फिर अंतर क्या है बताइए आप? अपनी बकवास बंद कर, पहले जाओ और अच्छी तरह नहाओ, फिर अंदर आने की कोशिश करना। ये ऊपर वाले ने भी क्या जात पात भेदभाव बना के रखा है। तुमको जात पात के बारे में किसने बोला है? इस पवित्र स्थल को तुम अपवित्र मत बनाओ। जात पात की वजह से इस दुनिया को कितनी परेशानी उठानी पड़ती है। मैं जात पात नहीं देखता हूँ, मैं तो किसी को भी अपने साथ खाना खिलाने को तैयार हूँ, मगर वो धर्म का पालन करने वाला होना चाहिए। मैं दुनिया सुधार के दिखाऊंगा, जात पात कोई भेदभाव नहीं रहना चाहिए, सबको एक दूसरे से मिलकर रहना चाहिए, यही धर्म होना चाहिए। अरे तू क्या दुनिया को सुधारेगा? और हाँ, सबसे पहले मैं आपको सुधारूंगा, उसके बाद मैं इस सारी दुनिया को सुधारूंगा। हो गया झगड़ा शुरू? फिर क्या, ये ग्रेजुएट होने के बाद भी उल्टी सीधी बात करता है, इधर उधर घूमता रहता है। घूमने के बजाय अगर किसी से काम मांगता तो काम मिल जाता, इसकी जिंदगी का क्या होगा भगवान ही जाने। हाँ, दिन भर आवारा गर्दी करता रहता है। क्या रे, इधर हम लोगों को भूख और प्यास लग रही है और तू है कि हंसे जा रहा है? प्यास लग रही है तो यमुना का पानी पियो। हम तो रोज पी रहे हैं, तो कुछ नया करे ना। Do do do.
दुनिया वालों आओ मेरे संग नाचो गाओ, दुनिया वालों आओ मेरे संग नाचो गाओ, भूख मेरे पेट की आओ आओ आके तो मिटाओ। दिल्ली नगरिया में कोई हमें भी काम तो दिलाओ, दुनिया वालों आओ मेरे संग नाचो गाओ, भूख मेरे पेट की आओ आओ आके तो मिटाओ। दिल्ली नगरिया में कोई हमें भी काम तो दिलाओ। जो यहाँ चले आए हैं रहे परेशान यहाँ रे, अरे हो पढ़े लिखे लड़का लड़की जो भी यहाँ आते हैं, जैसे दस दिन गुजारे पूरी भाजी खाके यहाँ, फिर भी ये दुनिया में नाम तो कमाते हैं। दुनिया वालों आओ मेरे संग नाचो गाओ, भूख मेरे पेट की आओ आओ आके तो मिटाओ। दिल्ली नगरिया में कोई हमें भी काम तो दिलाओ। नदिया का ये पानी सबके काम आए, भूख प्यास ये मिटाए रे, अरे हो भूख प्यास ये मिटाए रे, हो कैसा सवाल है कहीं भी न जवाब मिले, कैसा सवाल है कहीं भी न जवाब मिले। कर तो क्या करे हम किसको दोष दे दे यहाँ हो, कर तो क्या करे हम किसको दोष दे दे यहाँ, जीना तो जीना है जैसे भी जीना है यहाँ। दुनिया वालों आओ मेरे संग नाचो गाओ, भूख मेरे पेट की आओ आओ आके तो मिटाओ। दिल्ली नगरिया में कोई हमें भी काम तो दिलाओ। लोग भरे कहाँ हम पाँव धरे, अब हम जाए कहाँ रे, अरे हो अब हम जाए कहाँ रे, हो पढ़ लिख के भी सीट मिलती नहीं कॉलेजों में, बढ़ती आबादी गरीबी देखिए तो जरा, फुर्सत है किसे जो सुने दूसरों की यहाँ। दुनिया वालों आओ मेरे संग नाचो गाओ, भूख मेरे पेट की आओ आओ आके तो मिटाओ। दिल्ली नगरिया में कोई हमें भी काम तो दिलाओ। अरे ये क्या बेहोश हो गया, ये भूख की वजह से ऐसा हो गया। तो क्या हम भूखे नहीं है? नमस्ते भाई, आई हैव मैच बॉक्स, यू हैव सिगरेट? थैंक यू। नमस्ते भाई, आई हैव थैंक यू। अंगार चाहिए? हाँ
ये एक ही सिगरेट है ना, मैं इसको एक हफ्ते चलाऊंगा। ये ट्रिक तुम्हें भी आता है? नहीं आता। रुक 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 रुक, नहीं तो मार खाएगा। दरवाजा खोल, नहीं तो मार खाएगा। खोल, नहीं तो तोड़ दूंगा। आपको क्या चाहिए? जो आदमी इधर भागकर आया मुझे वो चाहिए, समझ गई? उन्होंने क्या किया है? मैंने पोस्टल ऑर्डर लेने के लिए 15 रुपए रखे हुए थे, जब उसको रोता हुआ देखा तो वो रुपए मैंने उस... मेरी औरत मरने की हालत में है ऐसा बोल रहे थे वो? मेरी औरत मर गई, उसकी आरती उठाने के लिए मुझे कुछ पैसे चाहिए, ऐसा बोल रहे थे? आपका उससे क्या रिश्ता है? मैं उनकी बेटी हूँ। आप मर गई ऐसा कह के उसने पैसा मांगा, वो भी एक्सीडेंट में, कमाल है। मुझे सब पता है, पांडव ने अपनी औरतों को दाव पे लगाया, मगर ये ऐसा जंगली आदमी है, अपनी क्या दूसरों की भी औरतों को दाव पे लगा देता है। ए दरवाजा खोल। हाँ? क्या बकरी है तू? मैं अपना सारा धन दौलत जुए में हार गया, अब मैं अपना सारा माल इस जुए से ही निकालूंगा, क्योंकि बस में पैसा छोड़ा है तो फिर ट्रेन में क्यों ढूंढने का? आप सही बोल रहे हो, मैंने जो पैसा उस दिन तुमको दिया था ना, वादा करता हूँ कि वो पैसा मैं तुम्हीं से वसूलूंगा। देखिए आप झगड़ा मत कीजिए, इन्होंने आपसे जितने पैसे लिए हैं उसे मैं देती हूँ। वो कुछ अधिक नहीं है, सिर्फ 15 रुपए। 15 रुपए के लिए? बेटी की कमाई खाने में शर्म आती है, इसीलिए कहते हैं मैं जुआ खेलता हूँ। मैं तो सिर्फ ड्रामे में एक्टिंग करती हूँ, ये तो पूरी दुनिया में एक्टिंग करते रहते हैं। ये लीजिए। मेरा कमीशन नहीं है क्या? एक मिनट। ये क्या कमीशन है? ये तुम्हारा पुराना कर्ज है। थैंक यू। वेलकम। तू अभी तक सो रही है? मैं अभी तक भूखा हूं इधर, और तुझे क्या? आप जो ढूंढ रहे हो वो नहीं मिलेगा। मैं क्या ढूंढ रहा हूँ तुझे पता है? पैसा ही ना। हाँ हाँ पैसा ही। ढूंढकर कोई फायदा नहीं, बाहर जाओ कमाओ। कमाओ अपने बाप से? कोई बेटी इस तरह बात करती है? आखिर तेरे बाप ने कब कमाया? देना प्लीज। अगर हो तो दूंगी ना। मैं तेरे हाथ जोड़ता हूँ, मुझे 20 रुपए की बहुत जरूरत है, देना प्लीज देना। सिगरेट पीना, जुआ खेलना, यही है ना आपकी जरूरत? आपको शर्म नहीं आती? शर्म नहीं है तो पैसे नहीं देगी? हाँ मुझ में बिल्कुल शर्म नहीं है, लेकिन मुझे 20 रुपए चाहिए। मैं आपको कोई दुख नहीं देना चाहती, अभी तक आपने मेरी शादी नहीं कराई, मैं कुछ नहीं बोली। बहुत 100 लोगों के सामने नाच गाकर 150 लेकर आती हूँ, आप उसको भी गीत की तरह झपट लेते हो, कैसे बाप हो? अपनी बेटी को भी ब्लैकमेल करते हो, आखिर मैं किसको अपना दुख सुनाऊं? ये लो। मैडम, मिस, हेलो मैडम, मैं कौन है? मैं हूँ रंजन कुली, जो आपके बाप के पीछे दौड़ता हुआ आया था। क्या क्या चाहिए तुम्हें? कुछ नहीं, तुम्हारे बाप का पीछा करते समय मेरी जेब में एक पासपोर्ट साइज का फोटो था, शायद आपके घर में गिर गया है, वही लेने आया हूँ मैं। मुझे तो घर पर कहीं नहीं दिखा, और शाम को मैंने सारा कचरा कूड़ेदान में डाल दिया था।
इसमें से तो सिर्फ संतरे के छिलके ही निकल रहे हैं। इस बिल्डिंग में लगता है सारे पैसे वाले लोग रहते हैं। नहीं, बीमार ज्यादा हैं। अब रहने तो जाने दो। जाने क्यों दूं? खोदते रहेंगे तो हो सकता है कि अंदर मिल ही जाए। वाह, आखिर कचरे में मिल ही गया। मिला? मिल गया। बताओ। फोटो मिल गया, काम भी मिल जाएगा। काम में छोटा बड़ा देखने की जरूरत नहीं है। कोई भी ईमानदारी का काम हो, बस मैं करने के लिए तैयार हूँ। लेकिन अगर कहीं मैं गलत होता हुआ देखता हूँ तो मैं चुप नहीं रह पाता। अब इसे मेरी बेवकूफी कही है या मेरी ईमानदारी? मैंने कुछ दिन ऑटो रिक्शा भी चलाया था, फटफटी। ऑटो रिक्शा चलाने वाला सिर्फ आगे देखता है, लेकिन अब ऑटो में पीछे क्या क्या होता रहता है ये सब भी तो दिखता है ना। अब ये सब देखकर मुझसे रहा नहीं गया, बस मुझे गुस्सा आ गया। सीधा पुलिस स्टेशन में जाकर मैंने गाड़ी रोक दी। पुलिस ने उन दोनों के ऊपर केस तो कर दिया, मगर ऑटो मालिक ने मुझे काम से निकाल दिया। उसके बाद एक बिल्डर की लड़की को उसके घर में ही मैं ट्यूशन पढ़ाने का काम करने लगा। देखिए सेठ जी, आपकी बेटी को फिलॉसफी नहीं आएगी, उसको पढ़ाई में इंटरेस्ट बिल्कुल नहीं है। सही है, उसको जिसमें इंटरेस्ट है वही पढ़ाओ ना। माफ कीजिएगा, वो मैं नहीं पढ़ा सकता। आइए आइए, बैठिए बैठिए बैठिए। आप भी बैठिए। नहीं, बैठ नहीं पाऊंगा। पकड़ पकड़ ना। मुझे आपसे कुछ बात करनी है। हाँ बोलिए। मैं जिस ड्रामे में एक्टिंग करती हूँ, उस ड्रामे का हीरो बीमार हो गया है, उसकी जगह मैंने आपको बोला। आप उस ड्रामे में एक्टिंग करेंगे ना? ड्रामा, नाटक? क्या? अरे 100 रुपया मिलने वाला है, मैं सोच रही हूँ वो पैसा आपको मिले। मैं एक्टिंग के लिए तैयार हूँ। नहीं, आप नहीं, वहाँ पर हीरो की जरूरत है। क्या सोच रहे हो? चलिए ना, मैं आपकी वहाँ मुलाकात कराती हूँ। चल रहे हैं। मैं कपड़े पहन करके आता हूँ, ठीक है? सुनिए, क्या आपने खाना खाया? नहीं। फिर कहाँ खाएंगे? इधर सेल्फ सर्विस। जाने में आधा घंटा लगेगा। कोई बात नहीं, मैं वापस आकर खा लूंगा। अरे नहीं नहीं, वहाँ पर तो रिहर्सल भी होगी, वहाँ पर समय नहीं मिलेगा। आप यहीं खा लीजिए, तब तक मैं यहाँ पर आपका वेट करती हूँ। क्या हुआ, खाना तो रेडी है ना? हाँ, खाना रेडी है। रेडी है ना? ओ यस, पहले से ही तैयार है। क्या हुआ, खाना क्यों नहीं खाते? मैं तो घर से खाना खा कर आई हूँ। एक्चुअली क्या, हम लोग जो है ना सब मिलके खाते हैं, यही सोच रहे थे। आप खाने के लिए साथ में बैठ जाइए, किचन कहाँ है, मैं खाना लगाती हूँ। आप बैठिए, तुमको तो बिल्कुल भी अकल नहीं है यार, ये हमारे घर की मेहमान है। हाँ, नहीं नहीं, आप बैठिए, हम लोग खा कर आ जाते हैं। कहाँ फंस गए आज, फंसा दिया इसने तो। अरे आ जाओ ना। खा कर आते हैं। चावल। ए हाथ मत लगाओ, चम्मच से निकालो। मेरे प्लेट में चावल, दाल भी। बैठ जाओ, बैठो बैठो यहाँ पे। हाँ, दाल लो, ये लो।
बैठो बैठो ठीक है आराम से पकड़ो पकड़ो अरे चलो ठीक से क्या करते हो अब बैठो पापड़ लो रखो चलो इसको निकालो ठीक है डाल और जरा डाल दो हो गया मेरा ये घी लो बस बस लो नमक थोड़ा कम है ना अरे दाल बढ़िया बनी है अरे पापड़ मुझे भी दो बढ़िया ये लो तुम्हारा हुआ ये दाल लो ये लो थोड़ा थोड़ी सब्जी दो बस 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 मिर्ची और नहीं इतना ही अरे मुझे भी दो ठीक है और डाल दो चुप रहो हाँ ये बैंगन पकड़ो ये लो अरे मिर्ची लग गई यार तुम्हें पता ना मैं मिर्ची ज्यादा नहीं खाता सॉरी मुझे खीर देना बस 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 तुम्हें चाहिए बहुत बढ़िया है अरे खीर ले लो यार बहुत अच्छी है बहुत मिर्ची बहुत थी बाकी तुम्हारा पेट भरा ये लो मेरा तो बहुत हो गया यहाँ रखो ठीक है अरे यार बहुत मिर्ची लग रही है ना ज्यादा क्यों खा लिया है बोल तेरे को हिचकी आ गई ना मैंने कहा था अचार ज्यादा मत खा इसको पानी देना थोड़ा मुझे और दाल देना ये लो तुम भी लो ए, बस कर बस कर पागल इसने ओवर एक्टिंग करके खराब कर दिया तो यही है आपका खाना अब सचमुच कब खाते होंगे कभी कभी खा लेते हैं हम लोग अभी मेरा पहला काम सबने हाथ धोया अरे दो तीन बार हाथ धो लिया हम लोगों ने अब हम लोग खाना खाने के बाद हाथ धो लेंगे ना बहुत बढ़िया काम तो सब आप लोगों ने किया मुझे तो कुछ करने ही नहीं दिया अरे परेशान क्यों होता है मैं देती हूँ ना सबको हाँ, मिलेगा मर गई है आप लोग खाना खा लीजिए बाद में देखा जाएगा खा लीजिए रुको उठो ए तुम भी उठो बेटी क्या हुआ
नानी। माँ। राधा, अब बाकी काम कैसे होगा? मेरे पास कुछ भी नहीं है। आपने हम लोगों को खाना खिलाने में सारे पैसे खर्च कर डाले। अब क्या करें? क्रियाकर्म करने के लिए पैसा तो चाहिए ना। हमको कम से कम 500 रुपया चाहिए। दिलीप, ये सारा सामान बेचकर पैसा लाओ। ये सब कुछ बेचने के बाद भी नहीं होगा, कैसे करें? अरे अरे अरे, ये भगवान की तस्वीर है। हाँ तो मरी हुई नानी को ये भगवान जिंदगी तो नहीं देगा, कम से कम उनकी चिता जलाने में तो काम आएगा। इधर दो उठाओ सामान। हाँ ये लीजिए, 500 रुपए हैं, मुझसे इतना ही हो सकता है। आपकी मदद को मैं जिंदगी भर नहीं भूल पाऊंगी। डैडी हैं? अंदर है वो, अभी तक नानी के पास बैठे हैं। लगता है उनकी माँ के मरने के बाद वो सुधर गए हैं। आइए। हम लोग ऐसे ही झगड़ा करते रहते हैं, फिर बाद में दोस्त बन जाते हैं। हम तीनों को एक करने वाला सिर्फ एक है, वो है गरीबी। मैंने ड्रामा के एक्टिंग के लिए बताया था ना, आप चलिए मेरे साथ। हाँ लो, थैंक यू। सुनिए सर, आप कुछ भी कर लीजिए, लेकिन मुझे और उसको आप अलग नहीं कर सकते। Stop it! What is this? आप यहां पर एक्टिंग करने क्यों चले आए हो? वासु, शॉर्ट दिस लाइन। अबे ये डायलॉग अंदर से जगा, अंदर से। बाबू, तू कभी नहीं सुधरेगा। Never! Okay, once again. तुम लोग खड़े खड़े मुंह क्या देख रहे हो? पोजीशन लो। हेलो सर। सर प्लीज मुझे एक और मौका दीजिए। वेट, मैं। हेलो मिस्टर प्रताप, ये मिस्टर रंजन है, ये है प्रताप। हेलो। यस, प्रोड्यूसर, डायरेक्टर, एक्टर, राइटर, ऑल इन वन। सर, मेरे लवर की एक्टिंग के लिए आपको कोई मिला? अभी तक तो कोई हीरो नहीं मिला। ये आप क्या कह रहे हैं, मेरा प्यार बिकाऊ नहीं है। आप ट्राई के लिए मैं इसको लेकर आई हूँ। आपने कभी किसी ड्रामे में एक्टिंग की है? नहीं। आपने कोई ड्रामा देखा है? नहीं। ड्रामा की पढ़ाई की है? हाँ, पढ़ाई तो की है। गुड, फिर तो एक्टिंग आएगा।
लवर बनने के लिए, तुम्हारे साथ खड़ा होने के लिए ये योग है क्या? आप कहानी लिखते हो, एक्टिंग करते हो, अपने आप को डायरेक्टर भी कहते हो, क्या सच में आप इसके योग्य हो? प्रताप जी, ये आपने क्या किया? प्राउंट राधा, हमने अपनी जिंदगी के लिए क्या क्या सपने देखे थे, मगर एक गोली ने हमारी जिंदगी को तबाह कर दिया। मिस्टर रंजन, आप डायलॉग भूल गए क्या? नहीं। फिर बोलते क्यों नहीं? वो डायलॉग मैं बोल नहीं सकता। What the hell is speak those lines? दिल में गोली लगी है तो डायलॉग कैसे बोल सकता हूँ, आप ही बताइए। बोलो, मैंने जो लिखा है। तो आप ही बताइए कैसे बोलूं, बताइए। Don't ask silly questions. आपकी कहानी इसीलिए। मैं स्टोरी राइटर हूँ, मैं डायरेक्टर हूँ। एक्टर तो मैं हूँ ना। जैसा बोलूंगा वैसा करना पड़ेगा। सॉरी सर, जो डायलॉग मेरे दिल को अच्छा लगेगा मैं वही डायलॉग बोलूंगा, नहीं तो नहीं बोलूंगा। Ask him to get out. ड्रामा के बारे में वो मुझे सिखा रहा है। Hey, let's go to scene number 6. Come on. आइए बैठिए। मैं ठीक हूँ। मैंने आज तक अपनी जिंदगी में किसी से माफी नहीं मांगी, लेकिन आज आपसे मांगने आया हूँ। क्यों? जो रिहर्सल हॉल में हुआ उसके लिए नहीं। आपने मेरी मदद करनी चाहिए, मगर मैंने खुद ही अपना काम बिगाड़ दिया उसके लिए। एक सच आपके बारे में जानना चाहती हूँ। आपका गुस्सा किस पर है? आपके ऊपर, आपके दोस्तों पर, या फिर दुनिया वालों पर? दिखावा और बेईमानी से मुझे गुस्सा आता है। ये गुस्सा पैदाशी है या आपका स्वभाव है? ये गुस्सा मुझे विरासत में मिली है। ये लीजिए। सीतार के प्रोग्राम के लिए आप बार बार मुंबई कलकत्ता जाते रहते हैं। आप बड़े बड़े नेता और गवर्नमेंट ऑफिसर्स को अच्छी तरह से जानते हैं। आप अगर कह दे तो हमारे बेटे को काम मिल जाएगा। क्या मैं उनके पैर पकड़कर इसके लिए सिफारिश करूं? मैं भूखा प्यासा रह सकता हूं, मगर किसी के लिए सिफारिश? आह, सितार विद्वान, दुनिया का माना हुआ विद्वान। हाँ बेटे, ये दुनिया का माना हुआ सितार विद्वान दूसरे के सामने सिफारिश नहीं कर सकता है, वो भी नालायक बेटे के लिए। ये तो हमारा लाडला बेटा है, इसे बार बार क्यों बोल रहे हो? काम न मिलने की वजह से पहले से ही दुखी है। तुम्हारा बेटा दुखी है? देखो उधर, उसको अपने बारे में और दुनिया के बारे में कोई फिक्र नहीं है। नालायक को स्टाइल तो देखो। मैंने बोला संगीत सीख लो, लेकिन नहीं, एमए फिलॉसफी में पढ़ा है। फिलॉसफी काम नहीं मिला, इसमें मैं क्या करूं? इसको तो खुद ही काम ढूंढना पड़ेगा। हाँ, अगर इसमें हिम्मत है तो खुद अपने पैर पर खड़ा होकर दिखाए। क्या तुमने मेरा सितार देखा? मैंने तो नहीं देखा, आप ही ने कहीं रखा होगा। अरे कोई छोटी चीज है जो नहीं दिखेगी, पूरा घर जान मारा। यहीं पर तो रखा था, कहाँ जा सकता है? मुझसे पूछिए। क्या बोला? सितार को मैंने बेच दिया। हाँ, बेच दिया? 500 रुपए मिला था, मैंने अपना खर्चा निकाल कर बाकी के लिए आपके लिए अंगूर लाया। तुम्हारी इतनी हिम्मत? जो सितार मुझे खाना खिलाती है उसे बेचकर मुझे अंगूर खिला रहा है? इतनी चर्बी है तुझको? ले तू ही खा अंगूर, ले खा। मैंने फालतू में आपसे पैसे मांगे थे, मुझे एप्लीकेशन भेजना था, लेकिन पैसे देने से आपने मना कर दिया। अगर बाप नहीं देगा तो कौन देगा पैसे? आपको एहसास दिलाने के लिए मैंने आपका सितार बेच दिया। मेरी बात सुनो, आज फैसला हो के ही रहेगा। आज के बाद मैं उसका मुंह कभी नहीं देखूंगा। उसको बोलो कि घर से निकल जाए। आप परेशान मत होइए, मैं खुद ही जा रहा हूँ। बेटा कहाँ जा रहे हो हमें छोड़ के? दिल्ली जा रहा हूँ। दिल्ली में क्या है? मैं वहाँ सितार प्रोग्राम करने नहीं, काम करने के लिए जा रहा हूँ। जो इधर काम नहीं कर सकता वो उधर काम क्या करेगा? आपसे दूर रहूंगा वही मेरे लिए अच्छा है। चिल्ला के बात मत कर, ले जाओ इसको। चिल्ला क्यों रहे हैं? ऐसे करेंगे तो आपके खून का दबाव बढ़ जाएगा। इधर देखिए,
आपका सितार बेच के जो पैसे मिले हैं उसी से मैंने दिल्ली का टिकट लिया है और अपनी पहली कमाई से आपका सितार आपको वापस कर दूंगा। मुझे छोड़ के मत जा बेटा, तेरे बिना मेरा मन नहीं लगेगा। जाने दो इसको, नहीं तो कल को हम लोगों को भी बेच डालेगा। खरीदेगा कौन? तुम उनको नहीं समझ पा रहे हो, वो तुम्हें नहीं समझ पा रहे हैं। जब दोनों एक दूसरे से अलग रहेंगे तो समझ जाएंगे। और हाँ, मुझे कितनी भी तकलीफ क्यों ना आए, मैं एक महान कलाकार, एक महान सितार विद्वान का बेटा हूँ, ये बात मैं किसी को नहीं बताऊंगा। मैं इनका नाम यूज नहीं करूंगा, मैं सिर्फ इनका इनिशियल यूज करूंगा। बेटा, मैं दिल्ली जाकर अच्छा काम मिलने के बाद चिट्ठी लिखूंगा आपके नाम से। आप ये समझ लीजिए कि आपका बेटा मर गया। आप जाते जाते तेरे पास कोई कहावत नहीं है? डरेंगे नहीं, डरेंगे नहीं, डरेंगे नहीं, हम किसी से डरेंगे नहीं, डरेंगे नहीं, डरेंगे नहीं, लड़ेंगे दुश्मनों से, दुश्मनों से डरेंगे नहीं, दुश्मनों को खाक में मिलाएंगे, 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 दुश्मनों को खाक में मिलाएंगे, अपने दम पर हम देंगे बदल इस दुनिया को अपने दम पे हम। प्यार में जो दुख है आप ये मत समझना वो केवल आपको है, वो दुख तो हम दोनों का है और हम दोनों मिलकर इस दुख का सामना भी करेंगे। बहुत अच्छी प्रॉम्प्टिंग करती हैं आप तो। मिस्टर रंजन, इसे प्रॉम्प्टिंग नहीं कहते हैं, कोरस कहते हैं। मैं भी कहना चाहती हूँ। छोड़िए, आप पढ़िए, पढ़िए। मैं कहाँ पर शब्द छोड़ती हूँ बताइए। ठीक है, शुरू करते हैं। ओके। प्यार में जो दुख है आप ये मत समझना वो केवल आपको है, वो दुख मुझे भी हाँ, है। वो दुख मुझे भी है और हम दोनों मिलकर इस दुख का सामना भी करेंगे। क्या हुआ? वहाँ एक आदमी था, मैं छिप छिप कर देख रहा था, अब छुप गया है। कहाँ? देखो देखो उस पेड़ के पीछे, उस पेड़ के पीछे से वो आदमी हमें बहुत देर से देख रहा है, देखो तो। ये पेंटिंग तुमने की है? तो मार खाने से पहले क्यों नहीं बताया? कौन सी भाषा आती है तुम्हें? हिंदी, बंगाली, महाराष्ट्रियन, बिहारी, तमिल, तेलुगु, मलयालम या फिर अमेरिका से आया है तू? इंडियन नहीं है क्या तू? तू गूंगा है? तुम किसी भी भाषा को अपना नहीं कह सकते क्योंकि तुम्हारी भाषा इंडियन है। तुम्हें कहीं चोट तो नहीं लगी ना? आ रही हूं। सॉरी, आप ना आ रही हैं, मैं बाद में आता हूँ। मैं अभी ड्रेस चेंज करके आती हूँ। नहीं नहीं, मैं बाद में आ जाऊंगा, ठीक है? सॉरी। ड्राइवर, जरा गाड़ी पीछे लो। यस, लिफ्ट चाहिए? हाँ जी, लाइफ में लिफ्ट बहुत जरूरी है। खाना पसंद आया? ओह यस यस। तू भी अच्छा लग रहा है। कल भी लिफ्ट मिलेगा? मेनू हो या मैन, दोनों मुझे
डेली चेंज चाहिए। अभी मेरे पास पैसे नहीं है। कल तू एक गुजराती ड्रामा करने गई थी, उसका पैसा कहाँ है? खाने के लिए सामान लेके आई, मेरे पास कुछ भी नहीं है। मैं तेरा बाप हूँ, मुझे पैसे नहीं देती है? तू तो अभी 3 साल से कमा रही है, मैंने तो तुझे 15 साल संभाला है, उसका कोई हिसाब है क्या तेरे पास? क्या तू अपने सगे बाप को 30 रुपए नहीं दे सकती? 2 रुपए के हिसाब से 15 साल का हिसाब जोड़ और फिर बता मैंने तुझ पर कितने पैसे खर्च किए हैं, बता। नहीं, मेरे पास आपको देने के लिए एक भी पैसा नहीं है। डैडी, ये क्या कर रहे हैं आप? केरोसिन है, मैं जलकर मर गया तो फिर तुम्हें कोई तकलीफ नहीं होगी, ठीक है ना? माचिस किधर है? किधर है माचिस? किधर है? मैं तेरे से मांगूंगा तो तू नहीं देगी? हाँ, क्या समझ रही है? तो क्या समझते है? मैं अपने आप को नहीं जलाऊंगा? हाँ देख, अब मैंने माचिस जला लिए हैं, अब बदन पे मैं लगाऊं क्या? क्या बोलती है, अभी तू पैसा देती है या नहीं? नहीं तो जला लूंगा, जला लूंगा, जला लूंगा, देख सही कहता हूँ, जला लूंगा, मैं जला लूंगा। ला रही है पैसे रखने की जगह, तू बार बार बदल रही है। कितने चाहिए? 50। दादाजी की जायदाद को खत्म कर दिया, अब तो नानी भी हमारे बीच नहीं रही, खत्म होने के लिए अब सिर्फ मैं बची हूँ, मुझे भी खत्म कर दीजिए, लीजिए। तू भी खत्म हो गई तो मैं किससे मांगूंगा, तू ही बता। क्या आपने सब ये ड्रामा देखा? ये देखकर मुझे आपसे हमदर्दी नहीं है, क्योंकि इसकी वजह आप खुद हैं। वो आदमी जब जब आपसे पैसा मांगा आप देती रही, इसीलिए वो आपको ब्लैकमेल करता है। मेरी किस्मत में अब यही है। ये सिर्फ आपकी किस्मत नहीं है, ये हमारे देश की हर औरत की किस्मत है। बचपन में अपनी माँ बाप का गुलाम होती है, जवानी में आशिक का गुलाम होती है, शादी के बाद पति का गुलाम होती है, और बच्चा पैदा होने के बाद बच्चों का गुलाम होकर के जिंदगी गुजार देती है। गुलामी गुलामी, पता नहीं तुम लोग कब गुलामी से बाहर आओगे, लेकिन आप नहीं सुधरेंगे। चलने दो, जिंदगी जैसे चल रही है चलने दो, क्या फर्क पड़ता है? लेकिन ऐसे जिंदगी नहीं चलती है। अरे ऐसे बाप की क्या जरूरत है जो बेटी कोई बेच खाए? अरे मरता है तो मर दे दो उसे। मिस्टर रंजन, आप उसे छोड़ दीजिए आग लगने के लिए। आप कुछ मत बोलिए, हमारा आपसे मामला है। मुझे मालूम था आप यही बोलेंगी। जब तक आप जैसे लोग रहेंगे इस दुनिया को कोई नहीं सुधार सकता। चलता हूँ मैं। मिस्टर रंजन, तू क्या समझता है हम बाप बेटी को अलग कर देगा? पॉलिटिक्स करने आए थे, क्या करेगा तू? मारेगा मुझे? हाँ, क्यों पूछ रहा है तू? हाँ कितना लीटर केरोसिन डाला है तुमने? 2 लीटर। बस 2 लीटर? क्या मतलब? उससे काम बन जाएगा तुम्हारा? क्यों? तेरे को जलाना है। मुझे छोड़ दो, मैं मरना नहीं चाहता, छोड़ दो मुझे। थोड़ी देर पहले तो तू मरना चाहता था। पहले इच्छा थी, अब नहीं है। छोड़ दो तुझे? मुझे छोड़ दो, छोड़ दो, अरे जल जाऊंगा, छोड़ दो, अरे बचाओ, अरे जल जाऊंगा, अरे छोड़ो, अरे अरे नहीं करूंगा, नहीं करूंगा, कभी नहीं करूंगा। वादा करो। हाँ वादा करता हूँ। सिगरेट जला रहा था। उस दिन जो कुछ हुआ उसके लिए मैं माफी मांगता हूँ। चाय? मेरे पास पैसे नहीं है। मुझे भी थोड़ी पेंटिंग आती है। ये क्या है पूछ रहे हो? लाल रंग, लाल रंग। वैसे तो ये रंग खतरे की निशानी है, लेकिन मैं इसका मतलब ये समझता हूँ कि सावधान हो जाओ, मतलब दुनिया के बदलने का इशारा। भूख, युद्ध, नहीं।
गरीबी। अब ये क्या है मैं बताता हूं। हरियाली। डिस्टेंस, दूरी। समय। शुभ। एक मिनट। प्यार। प्यार में तकरार। चाय ठंडी हो रही है यार। पैसा देकर लाया है। तू आएगा तो हम तीनों मिल बांट कर पी लेंगे ना। मेरे जिम में पानी आ रहा है। चाय पीने के बाद ही हम लोग सिगरेट पी सकते हैं। ये पकड़ सिगरेट। मुझे लालच आ रहा है इस पे। ए, क्या हुआ इसको? इसे छोड़, हम पीते हैं। हाँ, वो झगड़ा करेगा फिर से चला जाएगा। वो भी नहीं आ रहा पीने, हमको भी नहीं पीने दे रहा है। वो ऐसा क्यों कर रहा है? क्या हुआ इसे? चार दिन से महबूबा को नहीं देखा ना। उसके लिए आज भी तो उसका ड्रामा है। किधर? मैंने पोस्टर में देखा है। किधर है? पृथ्वी थिएटर में। ए, चाय के जा। Oh,
मेरी इज्जत की धज्जियां उड़ा दी है सिर्फ तुम्हारी गलती से। तुम अपने प्यार के चक्कर में स्टेज पर एक्टिंग भूल गई है। तुम्हारी इस गलती से मेरा पूरा करियर ही खत्म हो जाएगा। लोग मेरा ड्रामा नहीं देखेंगे, समझी? तुम्हारी वजह से मैंने मलयालम में ड्रामा किया, हिंदी में ड्रामा किया, इंग्लिश में ड्रामा किया, आज तक मेरे किसी एक्टर ने ऐसी गलती नहीं की। स्टेज पर तुमने हिंदी गाने में तमिल कहां से जोड़ दिया? Are you now the shame? एक्टिंग करते समय अपना दिमाग चलाना पड़ता है, लेकिन तुमने तो ड्रामे का कर दिया मर्डर। यू वॉन्ट टू बी डिस्ट्रॉय माई पोजिशन, यू वॉन्ट टू मेक ए फूल ऑफ माई ट्रूप, माई फ्रेंड। With reference to your application for the post of assistant, you are required to be present at our Ganpat branch at 11 AM on 27th May. Hey, congratulations, Ranjan! कम से कम इस इंटरव्यू में तुमको नौकरी तो जरूर मिल जाएगी। उसको फाड़ के फेंक दो, मुझे इंटरव्यू में नहीं जाना, समझ गए? तू ऐसी बातें क्यों कर रहा है? उसको फाड़ करके फेंक दो, मुझे इंटरव्यू में नहीं जाना, समझ गए क्या? Hey. हम तीनों में से एक को नौकरी मिल गई तो कम से कम हम भूखे तो नहीं मरेंगे। अब तू ना मत बोल, कल इंटरव्यू है, चल के जल्दी से दाढ़ी तो निकाल दे। नहीं जाऊंगा। ये तेरी दाढ़ी में कोई राज है क्या? सारी ताकत इसी में है क्या? मेरी बात मान, कोट पैंट पहन के जा। आखिर तेरी तकलीफ क्या है? पहले इंटरव्यू में तुमसे पूछा था ना, कोट पैंट पहन के क्यों नहीं आया है? तू कोट पैंट पहन के जाएगा तो हो सकता है कि शायद ये नौकरी तुझे ही मिल जाए। तू समझने की कोशिश करना यार। ए, कपड़ा अच्छा तो आदमी अच्छा, प्लीज। हमें काम की जरूरत है इसलिए तुमको कोर्ट की जरूरत है। ओके, कोर्ट आएगा किधर से? एक कोर्ट वाला आ रहा है। नमस्ते सर। नमस्ते। नमस्ते। आपसे एक छोटी सी बात करनी है। क्या बात है? ए, चुप कर। क्या पंजाबी? अब हम लोग गांव वाला हो गए। आप लोग जाएंगे क्यों आए? क्यों करते हैं? काम के लिए, परिवार के लिए। सर, रामायण के वक्त इतनी काम के लिए मारामारी थी क्या? उस समय सबको बुला के काम दिया जाता था। क्या हो, समय फिर से वापस लौटेगा? अब क्या करना है मुझे बता, मैं तुम दोनों को 10-10 रुपए देता हूँ, मुझे जाने दो। क्या सर, आप 10 रुपए देकर अपने ही गांव वालों को इंसल्ट कर रहे हैं सर? फिर क्या 100 रुपए चाहिए? नहीं सर, वो कोर्ट आपका 2 घंटे के लिए चाहिए। क्या कोर्ट चाहिए? हाँ, इंटरव्यू के लिए। अरे गायब किधर हो गया? जाने दो, इतने बड़े दिल्ली शहर में क्या कोई दूसरा कोर्ट वाला नहीं मिलेगा? इंतजार करते हैं। ये क्या है? कैसा है? अच्छा है, पसंद है। बाकी सब हम देख लेंगे। ये पेंटिंग कैसी है सर? बहुत अच्छा है। आइए 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 सर, ये है पेंटर, नाम है राजू। आपकी पेंटिंग बिल्कुल आपके जैसी बनाएगा। क्या बोल रहे हो, कितना समय लगेगा रंजन? कितना समय लगेगा? 2 घंटे लगेंगे। 2 घंटे लगेंगे? ये क्यों नहीं बोल रहा है? वो गूंगा है सर। सॉरी, मैं जल्दी में जा रहा हूँ। क्या कर रहे हो? बैठिए सर, बैठिए। सर एक गरीब पेंटर है। अरे बताया ना सर, वो गूंगा है। और हाँ, गूंगा भी है। ये बोल रहा है ऐसा कैसे सर? अच्छा ठीक है, बनाने को बोलो। कोट निकालिए सर, उसी के लिए तो हम ये सब इतनी मेहनत कर रहे हैं। कोट क्यों निकालूं? तो फिर आपकी बॉडी कैसे दिखेगी? अरे निकालिए सर कोट को। अरे जल्दी कीजिए। वाह 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 वाह, क्या बॉडी है, क्या जिम बॉडी है। क्या तूने इससे पहले ऐसी बॉडी देखी है क्या? जरा इसे निकालिए। नहीं देखा मैंने। क्या दारा सिंह से भी ज्यादा बॉडी है? कौन है वो? अरे वो तो एक पहलवान है। सर सर उधर देखिए। हाँ, एकदम सीधा। राजू आराम से पेंटिंग बना, जल्दी नहीं है बिल्कुल। जल्दी है मुझे, 2 घंटे में बनाना। हाँ हो जाएगा हो जाएगा।
भाई, तू पेंटिंग बना रहा है या मेरा हिस्ट्री लिख रहा है? कितना समय लगेगा? सर आपका बदन जो है एकदम सॉलिड है, पर आपकी शक्ल जो है, आपकी शक्ल को बनाने में ना टाइम लग रहा है। जरा सांस को जोर से लेकर अपना सीना बुला के बैठिए ना। हाँ ऐसे बहुत बढ़िया। मिस्टर रंजन, मिस्टर एस रंजन। यस रंजन, एमए फिलोसफी, तमिलनाडु। अच्छा, यू आर तमिलियन? तमिल स्पीकिंग इंडियन। क्यों भाई, इंटरव्यू देने के लिए ढंग के कपड़े पहनकर नहीं आ सकते थे? पहले आप काम तो दीजिए, फिर डेली अच्छे कपड़े पहनकर आऊंगा मैं। ओह, व्हाट इज द कैपिटल ऑफ डेनमार्क? कोपेनहेगन। हु इज द चीफ मिनिस्टर ऑफ महाराष्ट्र? टुडे, स्टरडे और द डे बिफोर, बिकॉज दे आर डेली टू डेली चेंज। अच्छा, आज के इंडियन पॉलिटिक्स के बारे में कुछ बताएंगे? यहाँ का पॉलिटिक्स करंट हो गया है। आप अपने लाइफ के एम के बारे में बताएंगे? भूख नहीं होती तो ना आप इधर ना मैं इधर। अच्छा, अभी इराक में क्या चल रहा है बता सकते हैं? मैं बता सकता हूँ, लेकिन उसका और असिस्टेंट के काम में क्या संबंध है? ये अपने आप को जीनियस समझता है। फिर क्या, मैं यहाँ छोटे से असिस्टेंट के लिए अप्लाई किया है, उसके लिए जरूरत है थोड़ी इंग्लिश, थोड़ी रीडिंग, ईमानदारी, मेहनत, बस और क्या। आई गॉट माई सर्टिफिकेट, आई गॉट माई डिग्री, यू कैन चेक इट अप। व्हाट आर यू एक्सपेक्टिंग फ्रॉम मी? दो सिंग। सॉरी। टू व्हिच पार्ट यू बिलोंग? एन अनएम्प्लॉयड लॉस ऑफ इंडिया। क्या तुम पॉलिटिक्स में हो? व्हाट आर यू सेइंग? मैंने ज्यादा बोल दिया तो मैं आपको पॉलिटिशियन लग रहा हूँ? क्या मुझे अपने बारे में बोलने का कोई हक नहीं है क्या? वो बात नहीं है, तुम लीडर बनने के चक्कर में हमारा काम बिगाड़ना चाहते हो? हाँ, वो तो मैं बिगाड़ूंगा ही। Hey, मिस्टर। सर, आप लोग यहाँ इस इंटरव्यू में भी तो पॉलिटिक्स कर रहे हैं। आप ये बताइए, ये सब पॉलिटिक्स नहीं तो और क्या है? Look here, my degrees and certificates. Democracy, down, down. Unemployment, down, down. False interview, down, down. Recommendation, down, down. भारत माता की जय। कौन है? आप इस समय? माफी मांगने। अरे अरे प्रताप, ये क्या कर रहे हैं आप? उठिए। कल जो कुछ भी हुआ उसके लिए मुझे माफ कर दो। पहले उठिए प्लीज, प्लीज। तुम रंजन से दोस्ती मत रखो, मैं तुम्हें बार बार समझाने की कोशिश कर रहा हूँ और तुम समझ नहीं पा रही हो। मेरा ड्रामा फ्लॉप होता है तो मुझे बहुत दुख होता है, अगर मेरी एक्टिंग फ्लॉप हुई तो मेरा करियर खत्म हो जाएगा। मगर मेरा प्यार फ्लॉप हुआ तो मैं जिंदा नहीं रहूंगा, मैं मर जाऊंगा, मैं आत्महत्या कर लूंगा। देखो रानी, मैं ये दो अंगूठी लाया हूँ, मान भी जाओ प्लीज। अभी टाइम क्या हुआ? रात के 2 बज रहे हैं। अंगूठी अभी पहनाते हैं? नहीं, आई एम सॉरी, मुझे लग रहा है कि पहनाने में बहुत देर कर रहा हूँ। और 6 घंटे देर करते तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता, हम लोग सुबह बात करेंगे फिर फैसला करेंगे। तुम ठीक कह रही हो। हाँ यही सही है। ठीक है। नाराज तो नहीं हो? नाराज की आपसे? नहीं नहीं। अच्छा जा रहा हूं। क्या हुआ? यहाँ पर आपके साथ रहने के लिए मैंने अपना घर छोड़ दिया। वेलकम। बस इतना ही है? टेम्पो आ रहा है सामान का। मेरी जगह पे? अवे। अभी टाइम क्या हो रहा है?
मेरी घड़ी में तो अभी 8:30 बज रहा है। अरे ये क्या ड्रामे की तरह बोल रहे हो? आपको पता है मैंने ड्रामा छोड़ दिया है। देखिए एक स्टोव पे दाल है, एक स्टोव पे चावल बन रहा है, ये लीजिए। ये क्या डिपार्टमेंट चेंज हो रहा है क्या? आज से मैं नौकरी पर जा रही हूँ। सचमुच? कहाँ पे? मारवाड़ी के घर पे, नेहरू गार्डन के बगल में। उनके घर पे एक बच्ची है, अभी जाऊंगी और रात को 8 बजे आऊंगी। मारवाड़ी के यहाँ और बच्चा नहीं है क्या? बच्चा है कि नहीं देखती हूँ, नहीं तो पैदा करने के लिए बोलती हूँ। ये बीड़ी को सांभर में मत डालना। बीड़ी के साथ सांभर पीने की आदत है। चलती हूँ, टाटा। थैंक यू। आने भी इतनी देर क्यों हो गई? रोज 8 बजे आती हो, आज 12 बज गए। मैं डर गया था, इधर ही बैठ गया इसलिए, सीधा इधर ही। क्या प्रॉब्लम क्या हुई थी राधा? हे हे, क्या हुआ राधा, क्या हुआ? मेरी नौकरी चली गई है। क्या? मैं बच्चे को लेकर दुकान में गई, वापसी का तो बच्ची नहीं मिली। मैं तो बहुत डर गई थी, इधर उधर देखा ढूंढा, कहीं नहीं मिली। मालिक को भी बता दिया, मालिक ने मुझे बहुत डांटा और उनको मुझ पर शक हो रहा था। कुछ देर बाद पता चला कि गलती मेरी नहीं बल्कि बच्चे को किसी ने चुरा लिया था। मेरे भरोसे पर उन्होंने मुझे बच्चा दिया था और मैंने बच्चे को खो दिया। ए रंजन, चुप। ए रंजन सुन सुन, अब हमारा दुख दूर हो जाएगा। इस बच्चे को रखो, ये हमारा जैकपॉट है, समझ गया? बच्चा? पैसे वाले घर की बच्ची है, इसलिए मैं उठा कर लाया हूँ। कल उसको फोन करेंगे और कहेंगे तेरी बच्ची मेरे कब्जे में है, बच्चा चाहिए 10 लाख ला। कहाँ है? दिखाओ। यही है वो बच्चा। उसे मत मारो। तुम बच्चे को लेकर अंदर जाओ। तुम जाओ, मैं बाद में आता हूँ। तूने बच्चे को क्यों उठाया? क्यों उठाया? ये अजय कौन है? कौन है ये अजय? किधर है? किधर है? अजय तुम्हें? तुम्हारी इतनी हिम्मत? मैं बताता हूँ। अजय नाम का कोई नहीं है, मेरा यकीन करो। अजय नाम का कोई नहीं है, ऐसा काम करने के लिए मैं खुद को अजय बना लिया था। झूठ! हाँ, मैं ही अजय हूँ, झूठ नहीं है, सच है। मैंने ऐसा क्यों किया जानना चाहते हो तुम? मैं आखिर गरीबी की जिंदगी कब तक जीऊंगा? मुझे अमीर बनना है, अमीर। आज से तू अपनी शक्ल मुझे नहीं दिखाएगा, तू मेरा दोस्त नहीं दुश्मन है, समझ गया? निकल यहां से, जाओ। राधा? कौन? मैं हूं, जल्दी बाहर आओ। मैं नहा रही हूं। अब क्या करें? अच्छा मैं यहीं से बात करता हूँ। बताओ। अरे पानी डालना बंद करो, तब तो मेरी बात सुनोगी। हाँ। मुझे नौकरी मिल गई है। ये तो बहुत खुशी की बात है। रुकिए, मैं 2 मिनट में बाहर आती हूँ। पहली बार जिंदगी में, पहली बार मैंने काम पाने के लिए झूठ बोला। कैसा झूठ? तुम्हें तो झूठ बोलना नहीं आता। नहीं, जो मुझे आता है वो मुझे नहीं आता। जो तुम्हें नहीं आता, नहीं आता। एक तमिल के घर में काम है, उसकी शर्त ये है कि आदमी को तमिल नहीं आनी चाहिए। क्या? तो मैंने बोल दिया कि मुझे तमिल नहीं आती। मेरी दाढ़ी देखकर वो पंजाबी समझकर मुझे काम दे दिया उसने। क्या काम है? ड्राइवर साहब, चलो। हाँ
कहाँ जाना है साहब? करोल बाग। ए जी, आप वापस कब आएंगे? मैं बिरला मंदिर से 2 घंटे में आता हूँ। गुड लक। चलो ड्राइवर। मेरे होते हुए काम कैसे नहीं होगा? कॉन्ट्रैक्ट नमक कड़च मारता ने? मेरे सामने फाइल में साइन तो किया। अपड़िया। ए भगवान, छे वो जानवर है, मगर 50 लाख का कॉन्ट्रैक्ट था इसलिए झेल लिया। हाउ डू वी लूज राजा जी? हीरे कोई सुन ना ले। ना संजय पुण्यम दा इपड़ी और मनेवी कड़च रही ये मूलधन में नी दानड़ी रहे। ठीक है ठीक है। अरे गाड़ी क्यों रोकी? अपनी औरत को दूसरे के यहाँ भेजने वाले के यहाँ मैं काम नहीं कर सकता। अच्छा तो झूठ बोलकर मेरे यहाँ नौकरी कर रहा था, ऐसे बीच रास्ते में हमें छोड़कर जा रहे हो? मुझे गाड़ी चलानी नहीं आती। तो यहीं मरो। अरे जमाना कैसे कैसे रूप दिखा रहा है, कैसे कैसे लोग इस दुनिया में पड़े हुए हैं। हम औरत की पूजा करते हैं जो देवी की तरह होती है, और लोग उस देवी का भी सौदा करते हैं, उसे बाजार में ऐसे बेचते हैं जैसे कि लोग शहद बेच रहे हैं, साबुन बेच रहे हैं। वाह रे नारी, वाह रे पुरुष, दुनिया में आगे बढ़ने के लिए लोग क्या क्या करते हैं, क्या क्या तरीके अपनाते हैं, ऐसी है ये दुनिया। काम तो आपने छोड़ दिया, मगर क्यों छोड़ा और किस लिए छोड़ा ये तो बताइए, आखिर बात क्या हुई? मत पूछो, मैं नहीं बता सकता। ऐसी क्या बात है जो आप मुझे नहीं बता नहीं। सकते बताइए ना। बिकॉज वो लोग गंदे हैं। छुपाओ जाने जा, दिल में क्या है हमको बताओ, कुछ ना छुपाओ जाने जा। गुस्सा तो छोड़ यार, ए कर लो जरा हमसे प्यार। गुस्सा तो छोड़ यार, ए कर लो जरा हमसे प्यार। हाय ले लो मुझे बाहों में आके, तुम कर दो नजर से बयां। हाँ दिल में क्या है हमको बताओ, कुछ न छुपाओ जाना।
मुझे न छुपाओ जाने जा। एक लड़की अपनी जुल्फों को लहराती, अपनी अदाओं का जादू चलाती। वन मिनट। कहीं तुम मुझे भूल ना जाओ, इसलिए ये दे रहा हूं। कैसी हो तुम? ठीक। मैं भी ठीक हूं। मैं तुमसे मिलने के लिए बहुत तड़प रहा था। मेरे बारे में तुम क्या सोचती हो मैं नहीं जानता। क्या मैं जोकर लगता हूँ? बताओ, मैं जोकर लगता हूँ? जी, मैं चलती हूँ। तुम मुझसे दूर क्यों भाग रही हो? बट वन थिंग, मैं अपने प्यार का इजहार कर रहा हूँ। मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। अगर तुम चाहो तो अभी बता दो, नहीं तो कल मैं तुम्हारा यहीं पर मैं 5 बजे इंतजार करूंगा। मैं पसंद हूं या नहीं मुझे बताओ, बट धोखा मत देना प्लीज। क्या देख रही हो? विजिटिंग कार्ड गोल्ड से बना है यही? मुझसे शादी करोगी तो सारा बदन गोल्ड से भर दूंगा। ये नहीं चलेगा साहब। अरे भाई, ये किताबें कभी भारती की हैं? ये पढ़ने के लिए अच्छा है, मगर पुड़िया मारने के काम नहीं आता। पापड़ जैसे टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं। दूसरा कुछ हो तो दीजिए। फिल्म फेयर, स्टारडस्ट, न्यूज़पेपर, ये लेके आइए। अगर ये बेचेंगे ना तो इसके भाव आपको बहुत ज्यादा मिलेंगे। ये लो, इसको फ्री में रख लो। साहब ये सब नहीं चाहिए ना। 4 किलो ₹20 हुए। क्यों, 5 रुपया किलो है क्या? आप अपने गांव वाले हैं ना, इसलिए 5 रुपए में ले रहा हूँ, नहीं तो 4 रुपए भाव है। लगता है ये सब कवि भारती की किताब थी। हाँ, इस किताब ने अभी तक मेरा साथ दिया है। रद्दी वाले को क्यों बेच दी? हाँ, रद्दी वाले को बेच दिया, और कोई रास्ता नहीं था। कवि भारती भगवान थे, लेकिन भूख उनसे बड़ी है। भूख आदमी को बनाती भी और उसे बिगाड़ती भी है, और भूख आदमी से कुछ भी करवा सकती है, चोरी भी करवा सकती है, डाका भी डलवा सकती है भूख इंसान से। भूख के सामने कोई माँ बाप नहीं होता। भूख तो बड़े बड़े लोगों की इज्जत भी भिकवा देती है। ये भूख दुनिया में कुछ भी करवा सकती है। मैंने तो सिर्फ कवि भारती की किताबें ही बेची हैं, मुझे परवाह नहीं, मगर मेरा दिल दुखी है क्योंकि ये सारी किताबें चना बेचने के काम आएंगे, चूरन बेचने के काम आएंगे। ये सब बेचकर तुम्हारे आने से पहले मैं खाना बनाने के बारे में सोच रहा था, लेकिन तब तक तुम आ गई। ये पैसा गया तो आगे काम चलाने के लिए अब हमारे पास कुछ भी नहीं रहेगा। मैं अपने बाप से झगड़ा करके आया कि अपने पैरों पर खड़ा होऊंगा। अपने तरीके से जिंदगी जीना चाहता था, किसी और तरीके से जीना होता तो आराम से अपनी जिंदगी जी लेता मैं, लेकिन नहीं, नहीं जी सकता मैं। लेकिन इस देश में ऐसा करना बहुत ही मुश्किल है, बहुत ही मुश्किल। मुझे झूठ और बेईमानी से बहुत ही सख्त नफरत है, इसलिए मैं किसी एक काम पे नहीं टिक पाता। लेकिन कब तक ऐसे जीऊंगा मैं? मेरा लक्ष्य मुझे खाना नहीं देता, नहीं देता। डर लगता है मुझे कि कहीं मेरी हिम्मत ना टूट जाए, मर जाऊंगा मैं, लेकिन अपने लक्ष्य से पीछे नहीं हटूंगा मैं, नहीं हटूंगा। मैं पापी हूं, अपनी उलझनों में मैं तुम्हें शामिल नहीं करना चाहता, क्योंकि तुम्हें एक वक्त का खाना खिलाने के लिए जो मेरे पास हिम्मत थी, किताबें बेचने के बाद चली गई। इसलिए तुम अपनी जिंदगी बना लो, जीते रहो,
कभी कभी भारती की कविताएं सुनो तो मुझे याद कर लेना। दाटी बिच तुम एकदम टाइम पे आई हो। मैं एक मिनट पहले गाली दे रहा था, पता है मैं तुम्हें क्या बोल रहा था? बिच। आई एम सॉरी, मुझे माफ कर दो। शादी करने के लिए तैयार हो ना? हाँ। या मगर एक शर्त है। क्या? मैं तुमसे शादी करूंगी, मगर शादी से पहले मुझे एक मदद चाहिए। एक को काम दिलाना होगा। काम? आपकी बड़े बड़े कंपनियों में और फैक्ट्रियों में पहचान है। ऑल राइट, किसको? रंजन के लिए। आई कांट। रंजन का हमारी शादी से क्या संबंध है? नो, नहीं हो सकता। तुम ब्लैकमेल कर रही हो। अपने लिए कुछ भी मांगो, मैं देने के लिए तैयार हूं। दूसरे के लिए मैं कुछ भी नहीं दे सकता हूं। ओके, रंजन को काम चाहिए ना? ओके, थैंक्स। शादी की तारीख कब रखें? नौकरी के बाद। थैंक्स। उसके पास नौकरी नहीं थी और मैं उस पर बोझ नहीं बनना चाहती थी। उसको ईमानदारी का काम चाहिए। नौकरी अपने बल पे, ईमानदारी और इज्जत से मिली तो ही वो नौकरी करना चाहेगा, नहीं तो नहीं। आज की दुनिया में हर जगह बेईमानी है। उसे सिर्फ उसका लक्ष्य दिखाई दे रहा है। पहले तो उसके साथ में दोस्त भी थे, मगर अब वो बिल्कुल अकेला हो गया है। टेढ़े मेढ़े रास्ते पर वैसे ही जाना पड़ता है। दरवाजा अगर सर से नीचे हो तो, और बिना झुके आएंगे तो नुकसान किसका होगा? मुझे भले ही कितने दुख सहने पड़े, प्रताप से मैं शादी करूंगी। प्रताप से मैंने शादी का वादा किया है। रंजन की भलाई के लिए मैंने ये रास्ता चुना है। ये सारी बातें मैं किसी को बताना चाहती थी। अब बोलो भैया, क्या मेरा फैसला गलत है? क्या देख रहे हैं आप? कहीं देखा है? सर आप मलयाली हैं? मलयाली तुमको कैसे पता? आपके बोलने से मालूम पड़ता है। तुम मलयाली? नहीं, मैं मद्रासी हूँ। फिर तुम मलयालम कैसे जानता? सिंपली 3 साल बेकार बैठा हुआ था, उसी वक्त मैंने मलयालम सीख लिया, बस यही बात है। अभी तू क्या करता? गुजराती सीख रहा हूँ। कितना पढ़ा? एम ए फिलोसफी। ओ माई गॉड मत कहिए, माई गॉड्स कहिए। मेरे जैसे लाखों लोगों के पास काम नहीं है, समझ गए आप? मैं लाखों को काम नहीं दे सकता। मेरे पास की बात नहीं लाखों काम दिलवाना। तुम लाखों में एक हो, तुमको काम दिलवा सकता हूँ। क्या है? मुहूर्त है इस महीने 16-23, अगले महीने 5-9, तुम तय करो। आप कोई भी तारीख तय कर दीजिए। तो इस महीने 23 तारीख को रखें? उसके पहले रंजन को काम मिल जाएगा? पहले हमारी शादी होगी। नहीं, पहले नौकरी दिलवाइए। प्लीज प्लीज, डैडी से बात करनी पड़ेगी।
शादी के बारे में? मैं पहले बात कर चुका हूँ रंजन के बारे में। तो बात करिए ना। ओह शिट। देखिए आपने वादा किया है। तुम कोई भी बात समझ नहीं पाती हो। तुम कैसी लड़की हो? तुमने कोई फिल्म देखी है जिसमें हीरो हीरोइन आइसक्रीम खाते हो? तुम शादी के बारे में सपने नहीं देखती हो क्या? नहीं, थोड़ा सोचती हूँ। क्यों? होगा या नहीं? क्यों क्यों, कैसी बात कर रही हो? रंजन को एक हफ्ते में नौकरी नहीं मिली तो हमें अपनी शादी भूलनी पड़ेगी। एक हफ्ते से डैडी से मिला नहीं हूँ। आप दोनों साथ में ही रहते हैं, फिर आप दोनों मिल क्यों नहीं पाते? मैं कुछ समझी नहीं। मुझे तो लग रहा है आप शादी के बाद मुझे जरूर धोखा देंगे। मेरे दिल में क्या है पता है तुमको? मुझे तो लग रहा है कि रोज 100-100 रुपए रंजन को देना पड़ेगा तब मेरी पत्नी बनोगी। Stop this nonsense. Okay. कल शाम को वो कौन है तुम्हारा फ्रेंड रंजन घर पर लाओ, डैडी रहेंगे, काम मिल जाएगा। तुम अभी यहाँ पर मेरा मूड खराब मत करो। एंड इन फ्यूचर डोंट डाउट माय सिंसियरिटी। हेलो यंग मैन। नमस्ते सर। सिट डाउन। जी। तुम कौन? कौन हूँ? फिर मैं जाता हूँ। बैठो। तुमको कहीं देखा? वो सर मॉर्निंग वॉक में जॉगिंग करते समय आप मिले थे। मैंने बताया कि मलयालम सीखा है, गुजराती सीख रहा हूँ, यही बताया था ना आपको। राइट। तुम्हारा नाम भूल गया। वो क्या है, मेरी याददाश्त थोड़ी कमजोर है। याददाश्त कम नहीं, ज्यादा है। आप ज्यादा भूल जाते हो। आज आपने मुझे रात में बुलाया था मगर मैं समय से पहले आ गया, क्योंकि बड़े लोग अक्सर रात को दारू पीने बैठ जाते हैं ना, इसीलिए। नो, ओनली टू पैक। आपको तो और ज्यादा पीना चाहिए। कम ऑन, लेट अस हैव आवर डिनर। मैं खाने के लिए नहीं, काम के लिए आया था। पहले खाना, बाद में काम। कम ऑन। जी, आपकी मेमोरी पावर इतनी कम है, फिर आप बिजनेस कैसे करते हैं? वेरी सिंपल, हमारा अगल बगल में सब दिमाग वाला है। फिर आप? प्रताप, मीट मिस्टर, बोल गया, एमए फिलोसफी, वेरी इंटेलिजेंट मगर काम नहीं। अपना कोई भी ब्रांच में उसको काम पे लगाओ। यह मेरा बेटा, ये होने वाली बहू, और ये देखा राधा देवी, हम शाम को सोच रहे थे, अभी हो गया। इंटरेस्टिंग। आप कल से ड्यूटी ज्वाइन कर सकते हो। नहीं, मुझे ये काम नहीं चाहिए। क्यों, तुम्हें हम लोग पसंद नहीं क्या? नहीं। फिर? नहीं, वो बात नहीं है। अभी काम का पता नहीं, पगार कितना पता नहीं, फिर क्यों इनकार? मुझे पगार और काम की परवाह नहीं सर, मगर ऐसे लोगों के साथ मैं काम बिल्कुल नहीं कर सकता सर। लुक हियर, मुझे तुम्हारे भीख की जरूरत नहीं। थैंक यू वेरी मच सर। रंजन यहां आया था? वो रूम पर नहीं आया। मेरी शादी की बात उसे पता चल गई, जो मैंने उससे छुपा के रखी थी। जिस दिन से उसे पता चला है, उस दिन से वो रूम पर नहीं आ रहा है। मुझे बहुत डर लग रहा है, मैं उसे ढूंढती हूँ, आप भी ढूंढिए। है? आप राधा है ना? हाँ। मैंने रंजन को देखा है मिंटो ब्रिज शिवाजी की मूर्ति के पास। आ जाओ राजू।
तब गया। अच्छा कर्म करके भी गर फल अच्छा ना मिले तो क्या करे इंसान, तेरा कैसा ये न्याय है ए दुनिया वालों बता, मुझसे दूर हुआ मेरा लाल ऐसा क्यों, दुनिया वालों बताओ। ना जाने किस हाल में प्यासा होगा या भूखा होगा वो, जैसे किस्मत ही चले उस पर चलता जाए कुछ समझे ना, कैसी ये महिमा प्रभु की दिल ना चाहे फिर भी काम कराए, कैसी ये महिमा प्रभु की दिल ना चाहे फिर भी काम कराए, क्या है नसीब में उसके कोई न जाने ना ही समझ ही पाए, कैसी ये महिमा तेरी दिल ना चाहे फिर भी काम कराए, पल में दुनिया बदली ए दुनिया वालों इतना बता। अब क्या बोले हम रहा, प्यार को अब ढूंढे जिसकी आशा रात दिन उसको बुला, उजड़ने से दुनिया बचा ये सब करने में प्रभु दे ना कर तू, ये सब करने में प्रभु दे ना कर तू। अच्छा कर्म करके भी फल अच्छा न मिले तो फिर क्या हो, कैसा ये न्याय है आ, 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 आ। कितना अच्छा गाया, वाह 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 वाह, बहुत अच्छा लगा। और जैसे गाना खत्म हुआ पब्लिक ने जोर की तालियां बजाई, वो गाना सबका दिल छू गया। वो गाना मेरे बेटे का लिखा हुआ था। आपका लड़का? हाँ मेरा बेटा घर से चला गया है, यहीं कहीं दिल्ली में रहता है। इसको आप लोगों ने कहीं पर देखा है? ये गाना मेरे बेटे की जान है, इसीलिए ये गाना मैंने गाया। मेरा दिल कहता है ये गाना सुनकर जरूर आएगा। कौन है वो? One minute, darling. ये शंभू, ये क्या हाल बना रखा है?
तुमको किधर किधर नहीं ढूंढा। ए, हम तीनों में कौन शान से जिएगा, बात करते थे ना हम लोग। हाँ, आज मैं शान से जी रहा हूँ। मेरा काम क्या है पता है तुमको? मैं हस्बैंड हूँ, सिर्फ उसका ही नहीं उसके सारे जायदाद का। वो एक विधवा थी, मेरे से उम्र में बड़ी है, अब वो मेरी औरत है और मैं उसका पति, दैट्स ऑल। रंजन ने क्या बताया, हम लोग नहीं सुधरेंगे, लेकिन आज उसका हल कैसा है पता है तुमको? अच्छा छोड़ो। पहले ये बताओ, तू पागल जैसा क्यों बना है? मैं और पागल? नहीं नहीं, जब तक दिलीप मेरे साथ है तब तक मैं पागल कैसे हो सकता हूँ? क्या, दिलीप तेरे साथ है? तू पागल है, देख देख ये देख। पूरे बदन पे दिलीप क्यों लिख के रखा है? पूरी दुनिया में दिलीप छाया है, अभी मुझे पता चला। आइए डियर। आ रहा हूँ डार्लिंग। देख तू मेरा पुराना दोस्त है, चल पकड़ 10 रुपए रख ले, खाना खा लेना। अच्छा मैं चलता हूँ, ठीक है? आपने उसे 10 रुपए क्यों दिए? नहीं वो, वो पागल के लिए कागज और 10 रुपए बराबर होते हैं। ठीक है। दिलीप है तो मुझे कोई गम नहीं। अंदर कैसे आया यही सोच रही हो? जितना बड़ा दरवाजा उतनी बड़ी खिड़की है। लगता है तुम्हारे पुराने आशिक ने तुमको भगा दिया। कम से कम मुझको तो बता देती। इतना परेशान क्यों कर रही हो? क्यों कर रही हो इतना परेशान? बताओ क्यों कर रही हो इतना परेशान? मैंने तुमसे शादी के लिए बोला, तुमने बोला हाँ। तुमने एक शर्त रखी, मैंने उसको भी मान लिया, तुम्हारी हर बात मान ली। तुम्हारा फ्रेंड रंजन काम करने के लिए तैयार नहीं हुआ, इसमें मेरा क्या कसूर है? हर चीज का अंत है, एक हफ्ते के भीतर मेरी शादी हो जानी चाहिए। राधा नहीं तो मैं खुद को तुम्हारे सामने ही गोली मार लूंगा। मैं मार नहीं सकता ये सोच रही हो? आई एम गोइंग टू किल माई सेल्फ। गोली है या नहीं देखना है ना। देखो देखो मैं अपनी जान कैसे लेता हूँ। हाँ प्रताप, हाँ पहले बंदूक हटाओ। थैंक यू राधा, ये लो। कैसा आदमी है तू, एक औरत को डराता है, कैसा आदमी है तू, आप पागल हो गए? रंजन के बारे में कुछ पता चला? उसको ढूंढने के लिए मैंने सबको बोल के रखा है। अभी मंदिर जाना है, आप तैयार नहीं हुए, चलिए। मैं अभी तक नहाया भी नहीं हूँ, सेविंग भी नहीं किया हूँ, और मैं योगा करते समय कभी भी टाइम नहीं देखता हूँ, और मैं घर में हाथ से सेविंग नहीं बना पाता हूँ। इस हाथ से सितार बजाता हूँ, शायद इसलिए ऊपर वाले ने मुझे दाढ़ी बनाना नहीं सिखाया। क्या इधर किसी को बुलाकर मैं दाढ़ी नहीं बनवा सकता क्या? वो सब अपनी तरफ चलता है, इधर तो जाना पड़ता है। शेविंग कराना है? इसमें नाराज होने की कोई बात नहीं है, आज के जमाने में काम मिलना बहुत मुश्किल है। मैं गलत काम छोड़ के बाकी कोई भी काम करने के लिए तैयार हूँ। काम नहीं मिलता तो परेशानी बढ़ जाती है, इसलिए मुझे जो भी काम मिला वो करने के लिए तैयार हो गया। जो काम हम चाहते हैं हमें नहीं मिलता तो कोई बात नहीं, जो काम हमें मिल जाए उसी को चाहना चाहिए। मैंने जो पढ़ाई की और जो काम यहाँ कर रहा हूँ उसका कोई संबंध नहीं, यही कहना चाहते हैं आपने, लेकिन इन बातों का कोई मतलब नहीं है डैडी। कोई आदमी बायोकेमिस्ट्री पढ़ के एक अकाउंट ऑफिस में काम कर रहा है, उसका उसके पढ़ाई के साथ काम से कोई संबंध नहीं है। मेरी नज़र में काम कैसा ये मायने नहीं रखता, काम कैसे करते हैं ये ज़्यादा मायने रखता है।
मुझे ये काम पसंद है क्योंकि इसमें चोरी नहीं है, बेईमानी नहीं है, किसी के सामने हाथ जोड़ने की जरूरत नहीं है, किसी के सामने भीख मांगने की जरूरत नहीं है। मैं किसी की चीटिंग नहीं करता, मर्डर नहीं करता, ना ही लोगों को बेवकूफ बनाता हूँ। मैं किसी को डिस्करेज करने की कोशिश नहीं कर रहा हूँ, ना तो ये कह रहा हूँ कि हर कोई यही काम करे। देखिए, मेरे कहने से कोई कोई काम नहीं करता, जिसको जो करना होता है वही करता है, किसी के कहने से कुछ भी नहीं होता। ये सब आप नहीं मानेंगे क्योंकि आप अपने परंपराओं से जुड़े हुए हैं डैडी। परंपरा और काम का कोई संबंध नहीं होता। पहले पिता जो करता था वही बेटा करता था, मगर अब सब कुछ बदल गया है डैडी। डैडी, आई एम सॉरी, आपको डैडी कहने का मन हुआ इसलिए कह दिया। अगर आपको मेरे काम से नफरत होती है तो मैं आपको डैडी कह के नहीं बुलाऊंगा। अगर आपको ये लगे कि मेरे जो किया वो सही है तो इस कुर्सी पे बैठिए, मैं अपने डैडी की सेवा करने के लिए बिल्कुल तैयार हूँ। मैंने मंगलसूत्र खरीद लिया है, आज मैं बहुत ही ज्यादा खुश हूँ। कहीं गलती से मैं मंगलसूत्र पंडित को ही ना पहना दूँ। इंतजार करता है ये तेरे, मैं अभी आती हूँ। नाम का दीवाना करके वादा ना आई तुम जो किसको सुनाऊं ये फसाना। दिल दुखता है आज अब ये मेरा, याद में जा तेरी। कैसे जिएंगे हम अब बिन तेरे, मेरा ठिकाना नहीं। मेरा ठिकाना नहीं। इंतजार करता है तेरे नाम का दीवाना, इंतजार करता है तेरे नाम का दीवाना। करके वादा न आई तुम जो, जाऊं कहाँ ये बता। दिल दुखता है आज अब ये मेरी, जा याद में तेरे मेरी। कैसे जिएंगे अब तुझ बिन, मेरा ठिकाना नहीं। मेरा ठिकाना नहीं। दिल अब जीना न चाहे, चैन मिले मर के ही। कसमें खाई थी जीने मरने की, कर गई वो बेकरार। उम्मीद थी तेरे आने की, तू तो नहीं आई। तेरी याद में तड़प रहा हूँ, बता मुझे तू है कहाँ। तेरी याद में तड़प रहा हूँ, बता मुझे तू है कहाँ। इंतजार करता है तेरा दीवाना। मैंने तुम्हें धोखा दिया, ऐसा मत समझना। मैं तो तुम्हें काम दिलाने के लिए प्रताप से शादी करने के लिए तैयार हो गई, लेकिन ये सब मैंने तुम्हें बिना बताए किया। मुझे
माफ कर दो रंजन। आज के बाद मैं तुम्हें छोड़कर नहीं जाऊंगी। आपको बहुत बड़ी दयालु समझती है। ऐसी लड़की के पीछे मैं अपनी जिंदगी क्यों बर्बाद करूं? पास्टर, मालिक दया करो मालिक। जाओ यहां से, जाओ। On the bell icon to get regular updates from Venus. For more entertainment, log on and subscribe to www.youtube.com/venusmovies.